ओ बच्चिये मिगी नहीं पता हा तेरा, ओ बेईमानो तुसे मेरी कुड़ी मारी ओए, ओ बेईमानो, ओ बेईमानो, ओ मेरी ये बेईमानो तुसे के काम कीता ओए, ओ मिगी जान दियो अपनी बच्ची मेरी शेर बच्ची ओए, मैं बड़ी लाडा कन्ने पाली दी ही, ओ बड़ी मैं लाडा कन्ने पाली दी ही ओए, ओ बेईमानो थोड़ा बेड़ा कर के जा, ओ तुसे मानी ने तुसे मिगी एक गल ये सनाई ते ब्याह से कुड़ी इ'यां लगे कन्न, ओ बच्चिये तू मेरे कन्ने एक मिंट कर, तू रुस्सी हैगा आई उधरा निकली हैगा आई ये तुगी तंग कीता राती च उन्हें के करी ओड़े तुगी, ओ तुगी च के करी ओड़े राती बिच उन्हें, ओ मेरी ये बच्चिये, ओ मेरी ये बच्चिये तू के करी ये गई, ओ मेरी ये बच्चिये ओ केड़े पासे जा अज, ओ मेरी ये बच्चिये, ओ मेरी ये बच्चिये, ओ तुसे मारिये किन्या तुसे करी ओड़े भाई ये पा लगी गई, ओ इन्या नहीं ओ इन्ने चिरे बाहर नहीं लगी आए दो महीने, ओ नहीं है ओ कला कोटी दिया ओ कला कोटे उन्हें नहीं लिया बाहर नहीं लगी थी ओ कला कोटे लाए ओ मार फाह लगे हम दाले ओ जीव निकलती कैसे निकलता ओ फाह नहीं लगी थी ओ फाह नहीं लगी थी ओ मैं गल लगी ओ अच्छे कोटी हमारी उन्हें फाह नहीं लगी थी ओ कुछ फाह नहीं लगी थी ओए ओ मेरी बच्ची फाने लगी है। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए 21 वर्ष की युवती, महज 2 महीने हुए थे शादी को, आप देख सकते हैं ये वो बच्ची है जिसकी शादी को महज 2 महीने हुए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा और परिवार इस सदमे से उबर सके इसकी भी दुआ जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं परिवार इस समय जो कि सपने देख रहा था कि आप बच्ची खुशियां बच्ची को मिल चुकी है, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है शादी के बाद बेटी अगर ससुराल घर जाए तो वहां पे खुश रहे, मगर वहीं अब इस बच्ची की जान जो है वो चली गई है और ये बच्ची की माँ जो है वो इस बात को यकीन नहीं कर सकती और कोई भी नहीं कर सकता। भैया उन्हें तड़फी तड़फिया मारी उन्हें नहीं मारी थी, उन्हें गला नहीं हो संफाल लगी नहीं लगी थी फा नहीं लगी थी, भैया 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 उस कुड़ी आफिया ना हा आफिया ना हा भैया भैया इधर सुजमा आया था भैया जलालाबाद फरोसाबाद हो रहा भैया मेरे गल की फोन नहीं कर दें, सस फोन नहीं कर दी आ रही नहीं 2 महीने ब्याह रहे हैं नहीं गल कर दी, कोई रिश्तेदार कुसा कने गल नहीं करती, एक मासी करती ही एक मासी करती ही गल नुआढ़े कने, मासी आखदे ये की करती फोन ये की करे उसी आखदी ये की करती फोन आखे कुसा कने गल नहीं करनी, मैं आखिया मैं फोन ले दिनी उन्हें फोन नहीं लेता आखा ले दिने ले दिने असें लैंडलाइन लुआया नारे वास्ता लुआया था उन्हें नहीं कोई गल कर दी, इजी दिन आई वह बल्ले 11 बजे छोड़िए 5:30 बजे ले नहीं मुड़ा इजी दे दुए दिन उन्हें कोई गल नहीं कर दी, उन्हें कल उन्हें फोन किया मम्मी मेरे डाकूमेंट भेज मां तू के करने बैंक की कापी मंगा मां के करनी तेरी तेरे डाकूमेंट नहीं चलने, आखा तू भेजी ना तेरे कुड़ी का मसला है मां वे पे चिड़गी मां आखा कल भेजा आखा तू आ राती पर मां बचिए मेरी ठीक नहीं है मी बीमार मी ग्लूकोज चढ़िया 2 बोतल उन्हें आया मैं फोन नहीं किया मैं आखिया 2 बोतल ग्लूकोज चढ़िया मी कुड़ी भेजो उन्हें नहीं भेजी उन्हें नहीं भेजी, मैं उन्हें फोन किया मैं आखिया मी बड़ी बीमार है 2 बोतल मी ग्लूकोज चढ़िया मेरा बीपी घटिया कुड़ी भेजो रुटी बनाने वाला कोई नहीं नहीं भेजी उन्हें नहीं भेजी उन्हें गला घोटिया मारी दी मेरी बच्ची उन्हें गला घोटिया मारी दी उन्हें नहीं करा साफ चाहिए मिगी उन्दी फांसी दियो अल्लाह उन्हें फांसी दियो उन्हेंगी। तो देख सकते हैं एक माँ जो है वो यहाँ बिलक बिलक के रो रही है और बात भी ऐसी कि महज 2 महीने इस बच्ची की शादी को हुआ था और आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है, और जुले घर गई आज किसके आखिर किस तरह पता लग गया ये हादसा होया ये फोन किया भी उन्हें कुछ कुछ किया उन्हें और कोड मना किया भी फोन आपे खुद किया मम तेरे ठीक ना किया भी करो फोन किया उन्हें आखिर कुड़ी थोड़ी मरी है अखफा लगी घर बच्ची अगर घर कोई गल करनी है बच्ची करना बाहर कट छा यह गल सुनी मैं मामा लगना कुड़ी का कहते जी बच्ची बाहर कट के फिर गलबात करनी उन्होंने फिर ओ बाद यह है कि बच्ची की ईद उपर भी घर नहीं जान दिता मतलब मायके नहीं जान दिता ईद दूए दिन उन्होंने खुद की कुड़ी जी 7-8 साल पहले ब्याह होया
ईद वाले दिन घर आई है, नवी बची भोई आई दी है, ओदी मां प्यो ने घर ईद दिन शामी त्योहार का दिन है, जान दो नहीं जान दी, चलो कोई गल नहीं। दूए दिन भेजी, मुंडा अंदर नहीं जाता, बिल्कुल घर अंदर एंटर करांदा, बस उतो बाद आ जाना, उथे नहीं बैठना। ओदे बावजूद यह है कि बच्ची नू किसे रिश्तेदार नाल कोई गल नहीं करी। मैं मामा है, दो महीने होया बच्ची का ब्याह होए, एक दिन भी बच्ची नाल गल नहीं हुई मेरी। मैं फोन करना ते कोई रिस्पांस नहीं। और एक रिपोर्ट अज असें ये पता लगी है कि बच्ची नू चार चार दिन की बेई रोटी खिलाते, रोटी रोटी खिलाते। इस तरह पता चलिया कि उन्हें अपनी बड़ी भैन नू फोन करके सुनाया था। शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, और ये परिवार जिनकी बेटी महज दो महीने पहले जो है वो शादी हुई थी, और आज ये हालात साथ के साथ शेयर करते हैं। परिवार इंसाफ की मांग जो है वो कर रहा है कि महज दो महीने की शादी में ये हाल जो है वो बच्ची का हुआ है, और क्या कारण रहे। अब हर दुखद पल रहता है जब इस तरह की खबर जो है वो सामने आती है। वो सुंदरी बड़ी शहर है, वो बड़ी शहर सुंदरी, वो तुझे आग दिया, वो देखो सी, और उसाना जाया, ये उसाना तुझे काल भी आ गई, तू जाया मेरी बच्ची बोल। ये उस बच्ची की तस्वीर जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो तेरे पीछे कांटे शुरू मारो, पहले भी सब आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा, और बच्ची को इंसाफ मिले इसकी दुआ जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं इस लाल जोड़े में आप, ये बच्ची ने शादी, और शादी भी सिर्फ दो महीने की शादी में, अब ये हाल देख सकते हैं कि अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बच्ची की जान जो है वो चली गई, और वो भी 2 महीने की शादी में। देख सकते हैं परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है कि इंसाफ जो है वो हो। हालांकि आप खुद समझदार हैं कि 2 महीने की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आज बच्ची जो है वो इस दुनिया में नहीं है। आप इस बच्ची के चेहरे की खुशी, इस बच्ची के चेहरे का नूर जरूर देखें, जिस तरह से इस बच्ची के चेहरे पे नूर था, नई जिंदगी में ये बच्ची आई थी। वो नहीं करो, वो मेरा बिना
दुखद पल और दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, हर बार घरेलू हिंसा की बेट जो है वो बच्चियां चढ़ती हैं, और वहीं आप एक और बच्ची जो है अब इस दुनिया में नहीं है, और इंसाफ की मांग जो है वो लगातार यहाँ पे परिवार द्वारा की जा रही है। सुनजुआ में शादी जो है सो बच्ची की हुई थी। पहले साबित कर सब लाइक कर ले तू बेटा नहीं बोली कि कानून जो है वो उनके ऊपर लागू होता है, वो लागू होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बच्ची की तस्वीर, परिवार जो है इंसाफ की मांग करता हुआ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि उनको अरेस्ट किया है कि नहीं किया है? इतना बड़ा केस हो चुका है, बच्ची डेथ कर चुकी है, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया। हमने पूछा भी पुलिस से कि आपने उनको अरेस्ट किया है कि अभी तक नहीं किया, पुलिस कहते वो कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे कहीं तो अभी तक हवालात में लेना चाहिए पुलिस को, बट अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, किसी भी इंसान को, उनके किसी भी फैमिली मेंबर को अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। हम ये डिमांड करते हैं कि पुलिस से कि अभी तक लड़का काम क्या करता है? लड़का तो उनकी दुकान है, जो लड़की का ससुर है वो पुलिस में अभी रिटायर हुआ है, पुलिस में असर शोक है उनका। अब ये मालूम नहीं पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही अभी तक, ये अभी इसका पता नहीं चल पाया है। उसने ये बोला कि मैं जानता हूँ मैं पुलिस में हूँ, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं कानून, हमें देखते हैं, देख लेंगे। तो मेरे पास आया, आओ गाड़ी की बात करते हैं, मेरे पास आया, वो उधर से टूर के कम से कम 2.5 किलोमीटर उधर पैदल से गाड़ी पर आया, मेरे पास आया, वो बोलता है और मेरे पास आओ उधर बैठ के बात करते हैं। एक्चुअली क्या है सर, हम तो यही डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि उनको जो है इसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई हो, पुलिस उनको अरेस्ट करे, पुलिस जो है उनको जाकर के अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई करे। तो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इस समय की दुखद खबर है इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि एक बच्ची जिसकी उम्र महज 21 वर्ष है अब वो इस दुनिया में नहीं है, साथ के साथ शेयर कर दें कि बच्ची को इंसाफ मिले। मेरे को नहीं होंदी गल करन दी, सस कोल होंदी उन्हें खड़ोई खड़ोइये गल करनी, खड़ोई खड़ोइये गल करनी उन्हें खड़ोई खड़ोइये गल करनी, वो कहती कुड़िए तू मेरे कने गल नहीं करती, तू मेरे कने गल नहीं करती, मेरे कने गल नहीं करती, वो नहीं गल करती मेरी बच्ची है, तू केड़े पासे चल।
तो साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दें। फिर बता दूं 21 वर्ष की युवती अब इस दुनिया में नहीं है और जलालाबाद सुंजुआ में बताया जा रहा है कि इस बच्ची की शादी जो है वो की गई थी। अब किन कारणों से ये जान गई है ये तो जांच का विषय रहेगा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण हर बार ये खबर आप तक लाते हैं कि शादी के महज 2 महीने बाद युवती जो है इस दुनिया में नहीं है। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।